आपको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज जो वीडियो मैं आप सबके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं, उसमें मैं आप सभी को BPM कैसे डिटेक्ट करें इस बारे में बताना चाहूंगा। और ये सॉन्ग एडिटिंग का सबसे पहला वीडियो रहेगा, क्योंकि BPM जो है बहुत ही एक जरूरी चीज होती है किसी भी गाने की एडिटिंग करने से पहले, क्योंकि जब तक इसका हमें पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी गाने को सही से या सही से उसकी ताल को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बगल में मिलता है, उसे दबाकर ऑल पर जरूर सेट कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले हम कोई बढ़िया सा एक ट्रैक ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। वैसे तो कई एप्लीकेशन हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है म्यूजिक वीड चेंजर। उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे ऑडियो ओपन कर दो, BPM आपको उसमें मिल जाएगा। यदि म्यूजिक वीड चेंजर में BPM डिटेक्शन वाला फीचर नहीं मिलता है, तो उसको आप सेटिंग में से चालू कर लीजिएगा, BPM डिटेक्शन सामने दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। एक एप्लीकेशन में आता हूँ मैं, म्यूजिक वीड चेंजर पे। म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक एडिटर, म्यूजिक वीड चेंजर ओपन कर दिया मैंने खाली, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। लाइब्रेरी, मीडिया नियंत्रण, तो ये अभी ओपन हो चुका है। अभी वैसे पहले से मैंने कोई ट्रैक ओपन कर रखा था, इसका BPM चेक करके देखते हैं। कैपिटल सी, कैपिटल की 117, तो इसका BPM 117 करके बता रहा था। अभी ऑडियो प्ले करके देखते हैं। फिलहाल कोई फायदा नहीं है, कोई और ट्रैक ओपन करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक ट्रैक था, तो इस ट्रैक को हम प्ले करके देखते हैं इसका BPM ये क्या बताता है। वैसे बाहर तो इन्होंने 140 लिखा है, क्या वाकई इसका BPM 140 है या कुछ और है? चलिए ओपन करते हैं इसको। तो हमने यहाँ से पॉज कर दिया इसको। स्टूडियो ट्रैक, BPM भी चेक करते हैं। कैपिटल BPM 140, तो 140 इसका BPM इसने बता दिया है। और एक चीज और मैं कहूंगा, कुछ परिस्थिति में इसका BPM थोड़ा सा ज्यादा भी बता देता, तो ऐसे में आपको क्या करना है? इसी एप्लीकेशन का सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी एडवांस तरह से BPM को ऊपर या नीचे कर सकते, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डिवाइड करके भी। जब किसी ट्रैक का BPM ज्यादा होगा, उदाहरण के लिए मेरे पास एक ट्रैक है जिसका BPM है 90 और असली BPM ओरिजिनल BPM उसका दिखा रहा है 180, तो ऐसे में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं दो से। यहाँ पे इस चीज को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एडिट डिटेक्टेड BPM यहाँ पे बता रहा है 140 को हम दो से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हो चुका है, जिसका हल आ चुका है 70, तो 70 BPM कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें 140 में चार स्टेप आ रहे थे इस तरह से, और 70 में इस तरह से आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कम है ये। बाकी जैसे आपके पास 70 BPM एंटर हो गया, उसके बाद आप ओके कर लीजिएगा, आगे तक 70 ही दिखाएगा। तो ये है BPM का पूरा जो दृश्य ये BPM का है। इसके बावजूद यदि किसी एप्लीकेशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है BPM के लिए भी, तो आप इस एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। वैसे BPM डिटेक्शन वाले एप्लीकेशन बहुत कम ही हमको मिल पाते हैं, वरना कुछ एप्लीकेशन है जो मिल भी जाते हैं। और BPM डिटेक्शन करना वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, म्यूजिक स्पीच चेंजर है तो उसमें भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और बैंड लैब भी है। बैंड लैब में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उस ट्रैक को इंपोर्ट करो, फिर उसके बाद BPM डिटेक्शन का काम करो। इसके अलावा और भी कई एप्लीकेशंस है, बट वो एक्सेसिबल होते नहीं है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के मामले में ये म्यूजिक स्पीच चेंजर बहुत ही बढ़िया है। आप यदि म्यूजिक स्पीच चेंजर के बहुत बड़े यूजर हो, तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो अपना म्यूजिक का पिच और स्पीड चेंज करके भी टाइम पास कर सकते हैं, हल्का फुल्का ऑडियो एडिटिंग इको और दूसरी चीजें भी इसमें कर सकते हैं। फिलहाल उस पर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये BPM पे वीडियो था। BPM के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, तो 60 सेकंड का एक मिनट, जिसका BPM होगा 60, उसी हिसाब से BPM काम करता है। BPM यानी बीट्स पर मिनट, है ना, प्रति मिनट के हिसाब से कितने बीट्स बज रहे हैं, तो ये BPM का, यही BPM का लॉजिक है। चलिए फिर अगली वीडियो में आप सबको कुछ नया लेकर आते हैं, जिसमें कि कुछ नया जरूर रहेगा और आप सभी के बीच एक नई जानकारी सॉन्ग एडिटिंग से संबंधित रहेगी, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया उसमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जाते जाते आप सबसे मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे इस चैनल पर शुरू
शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो उपयोगी लगता है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर यूं ही तकनीकी और कुछ खास एप्लीकेशन से संबंधित वीडियोस आते रहेंगे। आप शुरू से अंत तक उन्हें सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताते रहिएगा, ताकि वे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।